नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट अजमत मिर्जा। आपके सामने हमारे समाज की एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, स्मैक, शराब और हीरोइन, ये नाम आपने कई बार सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। हमारे और आपके पड़ोस में कई बार नशे की लत की वजह से हजारों परिवार बर्बाद होते हुए आपने देखे होंगे। उन्हीं हजारों कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानियां लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आइए देखते हैं। हाय विशाल। हाय। अरे यार, इतना ठंडा है, क्या परेशानी है? अरे यार, इस बार पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करवाया यार। मुझे कॉलेज की फीस सबमिट करनी है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह से परेशान हूँ यार। अरे यार, तू परेशान क्यों होता है? मैं हूँ ना सेठ प्रेम सिंघानिया, करोड़पति बाप का इकलौता वारिस। अरे चल यार, बियर बियर पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तू संभाल लेगा ना यार? हाँ हाँ, पक्का संभाल लूंगा। चल शाम को अपने को पार्टी अटेंड करनी है। प्रेम, व्हाट इज दिस? दो दिन से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि यहाँ अय्याशी कर रहे हो। यू आर ए रॉन्ग बेबी, यू आर ए रॉन्ग। मैं सिर्फ ड्रिंक कर रहा हूँ, अय्याशी नहीं। अय्याशी का मतलब तुम जानती हो ना? क्या मेरा मतलब? तो अक्सर अकेले मिला करते थे। तुम मेरे प्यार को अय्याशी का नाम दे रहे हो? तो प्यार, वो वादे, वो वफा सब झूठ थे। लिसन बेबी, ये प्यार और वादे सब बकवास चीज है मेरे लिए। जवानी एंजॉय का दूसरा नाम है। नहीं, गलत थी मैं जो तुम्हारे बारे में सोचती थी। तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दोगे, अपना जीवन साथी बनाओगे। जीवन साथी? यू मीन लाइफ पार्टनर? प्रेम सिंघानिया, एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद, और तुम जिसी लड़की से प्यार करेगा, शादी करेगा? कभी नहीं, इतना घटिया टेस्ट नहीं है मेरा। कल तक तो सब कुछ मैं ही तुम्हारे लिए थी, तो आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे सच्चे प्यार को घटिया चॉइस का नाम ले रहे हो? देखो प्रेम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? देखो बेबी, अब तुम्हारी बातें मुझे बोर कर रही हैं। साफ साफ लफ्जों में तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी हैसियत मेरे सामने सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह, जिसे इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है, उसे फोल्ड कर अपने पास नहीं रखा जाता। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, लेकिन अब मेरा भी जवाब सुन लो। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। आई हेट यू प्रेम, आई हेट यू। यार प्रेम, तूने उस लड़की का अच्छा नहीं किया यार, ऐसा नहीं करना था तुझे उसके साथ। बस तूने भी अपनी दोस्ती का यही सिला दिया, तुझे उसकी ज्यादा हमदर्दी है तो चल तू भी बोल। बेटा मैं, क्या हो रहा है ये? पापा आप, ये सब क्या है? पापा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पापा? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी आफत आ गई तेरी जिंदगी में जो तुझे इस जहर का सहारा लेना पड़ा? कुछ उलझने जिंदगी की ऐसी होती है पापा, जिनका हल सिर्फ और सिर्फ नशा होता है। तेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी आ गई थी, बोल। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? तेरी माँ के मरने के बाद तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है मैंने, तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। ये प्यार ही तो तकलीफ देता है ना। क्या मतलब? मैं आपको सारी कहानी सुनाती हूँ पापा। तेरे बिना ये जिंदगी सूनी सूनी लगे, ये बेबसी ये बेकसी लम्हा लम्हा
डसे हैं सितारे खफा है नजारे खफा खफा है जमीन आसमां तू अगर जो मिले हर नजारा खिले खिले मुरझे हुए गुलसिता तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा है तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहां पूछो तो इतना कहता है तन्हा तन्हा हर लम्हा तन्हा तन्हा सी जिंदगी तन्हा तन्हा हर लम्हा तन्हा तन्हा सी जिंदगी है ये बेबसी बन गई मेरी अब जिंदगी हर पल मेरे दिल को घेरे रहते हैं क्यों अरमां तेरे तेरे बिना जाना जिया नहीं जाता जिया नहीं जाता तेरे बिना है तेरे बिना जाना जिया नहीं जाता जिया नहीं जाता तेरे बिना आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने तो इतना कहता है तन्हा तन्हा हर लम्हा तन्हा तन्हा सी जिंदगी ये दिल लगी दिल की लगी जालिम हुई दुश्मन मेरी एक पल नाचे दिन हो यारे रिन हो यारे एक पल नाचे क्यों नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा है तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक
तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहां पूछो तो इतना कहता है तन्हा तन्हा हर लम्हा तन्हा तन्हा सी जिंदगी है जैसी औलाद से तो मैं बे औलाद होता तो अच्छा था। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा प्लीज मुझसे गलती हो गई। तेरी ये हरकत, तेरा ये गुनाह, तेरा ये प्यार नासूर है मेरे खानदान के लिए। एक मामूली इंसान होने के बाद भी मैंने तुझे बहुत ऐशो आराम से पाला, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, खुद भूखा रहा लेकिन तुझे भूख का एहसास तक नहीं होने दिया। मुझे प्रेम को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई है पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस शहर में मैंने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, मुझे क्या मालूम था कि ये शहर तुझे और मेरी इज्जत दोनों को निकल जाएगा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। बस बेटा बस। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब हम यहां नहीं रहेंगे। नैना ने प्रेम के झूठे प्यार में फंसकर अपने पिता के सपनों को चकनाचूर कर डाला और खुद अपने भविष्य को नशे के दलदल में डुबा डाला। हमारे समाज में नैना जैसी कई लड़कियां हैं जो झूठे प्यार में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं। ए उसाब, माल देना। कैसे लाया? हाँ लाया हूँ ना, दे। ये लो उस्ताद। ये नशा है हत्यारा दिल और ईमान का, नशा है हत्यारा हर एक अरमान का। तो इससे दूर रहने की युक्ति तुम कर लो, जीवन को अपने नशा मुक्त कर लो। नशा है हत्यारा हर एक अरमान का। मजा नहीं आया। ए ओ साहब एक कच दे ना। हट, पैसा ला, पैसा पैसा है। ए ओ साहब भाई देना, कच देना। हट, मेरी नसे खिंचा रही है यार। हट, क्या पैसे ले क्या। साहब एक कच दे दे भाई। ए ओ साहब एक कच दे देना भाई। हट, पैसे ले क्या। देना भाई। ए ओ साहब दे भाई। क्या ले क्या।
पारो पारो पार्वती कहाँ मर गई साली? चल खाना निकाल, मुझे भूख लगी है। तंग आ चुकी हूँ रोज रोज झगड़ों से। एक तो लड़की बीमार पड़ी है और इसे खाने की लगी है। मैं कुछ नहीं जानता, खाना निकल। ये खाना बनाया साली, हरामखोर, कामचोर, ये खाना तो जानवर भी ना खाए। क्या खराबी है इस खाने में? मैंने और बच्चों ने भी तो यही खाया है। नहीं खाना मुझे ये खाना। ठीक है मत खा। चल पैसे निकाल, मुझे तलब लगी है, उड़िया खरीदनी है। निकाल पैसे। कहाँ से लाकर दूँ तुझे पैसे? मेहनत और मजदूरी करके मासूम बच्चों के लिए और तेरे लिए दो वक्त की रोटी जुटा पा रही हूँ और तू बुढ़िया के लिए पैसे मांगता है? शर्म नहीं आती तुझे? वो मैं नहीं जानता, कहीं से भी ला। एक काम कर, मुझे किसी साहूकार के यहाँ जाकर बेचिया, तेरी पुड़िया आ जाएगी। भाषण देती है साली, ये किताबें खरीदने के लिए तेरे पास पैसे है और मेरी पुड़िया के लिए नहीं। चल हट हट। हो गया बुढ़िया का इंतजाम। शर्म कर शर्म, ये विद्या है, इससे बच्चों को ज्ञान मिलता है। विद्या और ज्ञान का भाषण देती है साली। चल हट। किताबें लेकर कहाँ जा रहा है? वापस दे दे मुझे। अरे बोला ना तुझे, तेरी ये विद्या मेरी पुड़िया का जुगाड़ करेगी। कृष्णा किताबें दे दे वापस मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या, मारेगी मुझे? ले मार। किताबें दे दे कृष्णा, मैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। ये रद्दी कागज, क्या भविष्य बनाएंगे? आराम जाती मुझसे जुबान लड़ा दिए। यार आज कुछ फिर हो गया क्या? अरे ये तो इसका रोज का मामला है यार, बुढ़िया के लिए बीवी को मारता पीटता रहता है। देख खून बहुत निकला, जरा जाके देख, जाके देख। इंस्पेक्टर साहब,
इस नशे की पुड़िया की भेंट चढ़ गई बेचारी। ठीक कह रहे हो भैया, नशे की इस पुड़िया ने एक और परिवार को बर्बाद कर डाला। लेकिन मुझे चिंता तो इस बात की हो रही है कि इन मासूम बच्चों का क्या होगा। मात ही तो पल रहे थे बेचारे, पर उस बेरहम बाप ने जीते जी उस मासूम को अनाथ कर डाला। समाज का सबसे बड़ा दुश्मन ये नशा है, मगर उस कृष्णा का क्या होगा, झेल जाएगा। चौधरी साहब बैठ बैठिए। हेड साहब, सर वो कृष्णा को लेके आओ। चल अब आप कहां चले गए थे? चलो आओ बेटा, आओ चलो आओ इधर आओ। अब आंसू बह रहा है, अब रोने से क्या फायदा? जानता है तूने क्या किया? अपने मासूम बच्चों के सर से मां का छाया छीन लिया है तूने। कौन संभालेगा इन्हें? मुझे फांसी पर चढ़ा दो साहब, मुझे नहीं जीना, मैं पापी हूँ। देखो कृष्णा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जो हो गया उसे टाला भी नहीं जा सकता। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ साहब, और मैं अपनी पत्नी को भी खो चुका हूँ साहब। तू एक अच्छा इंसान बन सकता है कृष्णा, बशर्ते तो तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। देख आज तेरी वजह से तेरे बच्चे अनाथ हो गए, तू छोड़ दे ये नशा, अपने बच्चों का भविष्य बना, अपना इलाज करा। तू अगर ये नशा छोड़ देगा तो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी तेरा इलाज भी कराएगी और तेरे परिवार की मदद भी करेगी। आप जो बोलोगे वो करूंगा साहब, और अपना पूरा जीवन बच्चों का भविष्य संवारने में लगा दूंगा साहब। और मुझे क्या करना होगा? कृष्णा तुझे नशा छोड़ना होगा। आपकी हर बात मंजूर है। देख कृष्णा, अपने बीवी को मारकर जो अपराध तूने किया है उसकी सजा तो तुझे कानून जरूर देगा। मुझे सजा से डर नहीं है साहब, लेकिन बच्चों की चिंता है, इनका क्या होगा? तुम इन बच्चों की चिंता छोड़ो कृष्णा, हम अनाथ आश्रम से आए हैं। इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अब हमारी संस्था उठाए। तुम नशा छोड़ो और एक अच्छे आदमी बनने की कोशिश करो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। लाइए आपकी फाइल। पापा मत जाओ ना पापा। पापा क्यों जा रहे हो पापा? कहाँ जा रहे हो पापा? बेटा जैसा अंकल बोले वैसा करना, मैं वापस आऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा। पापा कहाँ जा रहे हो? आओ बेटा इधर आओ, चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। नशे की लत में कृष्णा को अपनी ही पत्नी का कातिल बना डाला, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें अपने माँ बाप से दूर होकर एक अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। चल ठीक है, माल भेजता हूँ मैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए, कहो कैसा आना हुआ? हाँ भाई काली, बंगला तो बड़ा अच्छा बनाया तूने। सब माता का आशीर्वाद है, छोटा सा कारोबार है मेरा, माता की कृपा से सब ठीक चल रहा है। माँ का आशीर्वाद और माँ की कृपा, नशे का तेरा छोटा सा कारोबार इतना बड़ा कारोबार है काली, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। माँ काली के नाम को बदनाम मत कर काली, नशे के इस कारोबार को बंद कर दे। इंस्पेक्टर वर्मा, इसे मैं तुम्हारी धमकी समझूं या सलाह? अगर तू प्यार से मान जाए तो सलाह, और नहीं माने तो धमकी।
ठीक है इंस्पेक्टर वर्मा, तुम्हारी दोनों बातें मुझे याद रहेगी, तुम्हारी धमकी भी और तुम्हारी सलाह भी। अभी तो चलता हूँ काली, लेकिन मेरी बातों पर अमल करना शुरू कर दे। ये इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही बोल गया भैया, लगता है इसका गेम मजाना पड़ेगा। शांत शक्ति शांत। अरे क्या शांत रहो भैया, वो आपको इतना कुछ बोल गया और आप मुझे शांत रहने का बोल रहे हैं। शक्ति शक्ति मेरे भाई, हमारे धंधे में जोश से नहीं होश से काम लिया जाता है, और ये जो नशे का कारोबार है ना, ये एक शीशे की तरह होता है, जिससे कानून का एक मामूली सा कंकर भी टकरा जाए ना तो चूर चूर हो जाता है। दादा तो क्या उस पुलिस वाले की धमकी से डरकर हम अपना धंधा बंद कर दें, या उससे डरकर अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें? बोला ना मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ नहीं कहोगे कुछ नहीं करोगे, तुम दोनों मेरे भाई नहीं मेरे दोनों बाजू हो। दादा आप भी तो हमारे पिता समान, लेकिन अगर कोई आपका अपमान करे तो यह हम सहन नहीं कर सकते। माँ काली का भक्त हूं मैं, किसकी वाली कब कहां और कैसे चढ़ाना है ये सब जानता हूं मैं। तू इन सब बातों को छोड़, चल मेरे साथ चल एंजॉय कर। हमारे समाज में इन नशा करने वालों को कुछ नामों से जाना जाता है, शराबी, बेवड़ा, स्मैक्सी, गर्दुल्ला और झंडू। बाबा आप आ गए? हाँ काका, मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर तैयार हो रही है, पार्टी में जाना है उनको। आप कहें तो खाना लगा दूं। नहीं काका, रहने दीजिए, मुझे आज मम्मी से जरूरी बात करना है। बेटा आज मम्मी इसी बहुत गुस्से में है, आप अंदर मत जाओ। मैं क्यों ना अंदर जाऊं? बचपन से लेके आज तक मेरे इस घर में फिक्र करने वाला है कौन? मुझे तो आज उनसे बात करनी है और आज मैं उनसे बात करके रहूंगा। मम्मी! हाँ बस मैं अभी पहुँच रही हूँ। क्या बकवास है ये, इतना शोर मचा रखा है। दीनू काका आप इनका खाना लगाइए, और आप खाना खाइए और अपने रूम में जाइए। बचपन से लेके आज तक यही तो सुनते आए हो, काका तैयार कर देंगे, काका खाना खिला देंगे, ड्राइवर स्कूल छोड़ आएगा, बोर्डिंग के लिए जाइए, और पापा के पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। क्या समझ रखा आप लोगों ने मुझे? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं? रूम में जाओ अपने। आपने विक्की बाबा को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, और मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, आप उनको खाना दे जी। सारा कहाँ थी, ना कोई कॉल ना कोई खबर? बस यार मौज मस्ती में लगी हुई थी। अरे मजे तो आ जाएंगे, कॉलेज में रैगिंग का दिन जो शुरू हो रहा है। छोड़ो ये सब बहुत पुरानी बातें रैगिंग वेगिंग की। क्यों रैगिंग क्यों ना ले, सीनियरों ने हमें छोड़ा था, रैगिंग तो लेंगे अपन। ऐसा कैसे हो सकता है, रैगिंग तो ली जाएगी और बिल्कुल ली जाएगी। रिलैक्स, रैगिंग तो हम लेंगे और जरूर लेंगे। वो देखो वो आ गए बकरे, अब मजे लेते हैं। अरे भाई तू रुक क्यों गया? सामने देख यार, सीनियर बैठे हैं। ओह माय गॉड अब क्या होगा? चल तो सही। अरे तू घबराती क्यों है, चल साथ में चलते अपन। ए रुक। मैं? हाँ तू, चारो सालो सलामी दिए भी नहीं जा रहे हो कॉलेज के सीनियर को, मालूम नहीं है कॉलेज के बादशाह बैठे हैं बादशाह। ए चलो लाइन में लगो, चलो सब अपना नाम बताओ एक एक करके। अभिलाष पुरोहित जी, मैं सनी। सनी तो ऐसे बोल रहा है जैसे सनी देओल हो। मैं सौरभ। आई एम मोंटी। I am रूपाली। I am नम्रता। ए ओए, तुम्हारे असली नाम नहीं है क्या? अपने असली नाम बताओ। अभिलाष पुरोहित। सनी चोपड़ा। सौरभ शर्मा। I am मोहित जादव।
रूपाली शर्मा, नम्रता अग्रवाल। चल यार सिगरेट निकाल। पीला साला वो। अरे पी पी सर, अरे सर, नहीं यार पीना पड़ेगी। पियो पियो, अरे पियो पियो ला। थोड़े आप भी ले लो लल्ला। अरे नहीं सर, नहीं सर आज तक नहीं। अरे लेना नहीं, पड़ेगी नहीं, इसका मजा ही कुछ हो रहे हैं। ले ओ। पीलो पीलो, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा लल्ला? अरे ले ओ। पीलो बच्चू पीलो, अभी तो यही पिलाइए, इसके बाद तुम्हें चरस से भरी हुई सिगरेट पिलाएंगे। सर सर। चलो ए निकलो, चलो निकलो निकलो, चलो जल्दी करो। हाँ जी आंटी। जी आंटी बात कर लीजिए, मम्मा फोन। हेलो मेरा हाथ। नहीं भैया बताओ आप क्या कर रहे हो। तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। भैया ये आपकी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ भी करूँ उससे तुझे क्या। मैं आपको बताओ वरना मम्मी पापा को सब बता दूंगी। जा कह दे मम्मी पापा से, ना तो उनको मेरी कोई फिक्र है, ना ही मेरी कोई परवाह, ना ही मेरी जरूरत। जा जाके कह दो उनसे कि तुम्हारा बेटा ड्रग्स ले रहा है। मम्मा मेरी बात सुनिए, पापा मेरी बात सुनिए, क्या आप अपने कीमती वक्त में से मुझे 5 मिनट देंगे? बेटा बिजनेस कोटेशन टाइप कर रहे हैं, इसको कल मीटिंग में भेजना है, बहुत अर्जेंट काम कर रहे हैं। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, फोन फोन फोन, आप और मम्मी कभी मेरे और भैया के लिए टाइम निकालेंगे? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इस तरीके से? आपको पता नहीं है भैया अंदर क्या कर रहे हैं? साफ साफ बताओ आखिर बात क्या। पापा मम्मा वो भैया। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं होगा। हाँ क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? भैया ड्रग एडिक्ट हो गए। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। हाँ विक्की को कुछ भी नहीं होगा, हम उसको कुछ भी नहीं होने दे, हम है ना। भैया का जो हाल है उन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों हैं। अगर भैया को कुछ भी हुआ तो मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। सब तुम्हारी गलती है माया, अगर तुम उसका ढंग से ध्यान रख रही होती तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। मैंने मैंने उससे बोला था वो नशा करे? मैंने उससे बोला था वो ड्रग एडिक्ट हो जाए? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है, समझी? यही बात अगर मैं आपको बोलूँ तो आप भी अगर अपने बिजनेस में ज्यादा उलझे नहीं रहते तो आज बच्चों की हालत नहीं होती। बंद कीजिए आप लोगों की ये बहस, आप लोगों की इस फालतू की बहस से कुछ नहीं होगा। अब चल के भैया को देखिए। मम्मी पापा प्लीज भैया को बचा लीजिए प्लीज। हम माँ बाप होने के बावजूद भी ये क्यों भूल जाते हैं कि बच्चों के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ फर्ज होते हैं जिन्हें निभाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज विक्की को अगर माँ और बाप दोनों का प्यार मिला होता तो शायद आज वो ड्रग एडिक्ट नहीं बनता। सर बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? व्हाट, आप लोग कॉलेज में पढ़ने आते हैं या आवारागर्दी करने? गो टू योर क्लासरूम। यस सर।
यार ये शक्ति तो आया नहीं। ऐसा करते हैं, अपन ही इन लड़कों को माल सप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो बुला लो इनको। ए कमान, माल तो असली है ना? अबे ये शक्ति भाई के अड्डे का माल है, हमेशा प्योर ही होता है, समझा? यार ये ठीक नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत है। हमारे माँ बाप ने हमें इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, ना कि नशा करने के लिए। क्या सही क्या गलत है बॉस, अपन को कुछ लेने का नहीं। अपना तो एक ही टारगेट है, बस एंजॉय। हर पल सीने में एक दर्द है, ये नशा एक जहर है, ये नशा एक गर्द है। हर लम्हा हर पल सीने में दर्द है, ये नशा एक जहर है, ये नशा एक गर्द है। छीने अपनों से जुदा करे, इसका आदि जो हो जाए, दुनिया अलविदा करे, ये है फंदा मौत का, ये शिकंजा मौत का, ये बुझाता है दिया जिंदगी की ज्योत का, ये दुश्मन हाँ ये दुश्मन, ये नहीं हम दर्द है, ये नशा एक जहर है, ये नशा एक गर्द है। लिबास ओढ़े जिस्मो जा पे वार करे, उलझा ले ये जाल में अपने, और
जीना दुश्वार करे। ये तपाही का है मंजर, ये गुनाहों का समंदर, सिसकियां और का है हर सू रहती है इसके अंदर। मुश्किलों से छूट लत इसकी, ये ऐसा एक मर्ज है, ये नशा एक जहर है, ये नशा एक गर्द है, ये नशा एक जहर है, ये नशा एक गर्द है। हमारे समाज में इस जहर को पीने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजों में उनका भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी कॉलेजों में पढ़ने के बजाय क्लबों और डिस्को में नशे के दलदल में डूबती जा रही है। ऑफिसर्स, आप लोग हैरान होंगे कि आप लोगों को मैंने ऑफिस में ना बुलाते हुए सुनसान जगह बुलाया। मैं नहीं चाहता था कि जिस मिशन के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया, इस मिशन के बारे में किसी और को पता चले। कैसा मिशन सर? फिनिश टू ऑल ड्रग सप्लायर। आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 6 महीनों में इस शहर में तकरीबन 200 मौतें हुई, जिसमें से 172 मौतों की वजह सिर्फ नशा थी। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है सर? लोग नशा नहीं छोड़ेंगे तो ये तो हो गई। सर, अगर इन नशेड़ियों का अरेस्ट किया जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट की परेशानी बढ़ जाती है। नेतागिरी होती है सो अलग। बस बोल चुके आप लोग, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ काम डिपार्टमेंट के लिए तो कुछ समाज कल्याण के लिए भी किए जाते। शहर से इस नशे की गंदगी को मिटाने के लिए ही आपको चुना गया है। सर जरा डिटेल में बताएंगे किस तरह? मेरा मानना है कि अगर नशा बेचने वालों को बेनकाब किया जाए तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सर? उठाओ इन दरिंदों को, अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपने इन्फॉर्मर्स लगाओ और लिस्ट बनाओ उन दरिंदों की जो मौत बेचते, सबको उठाओ। मुझे हर हाल में इस मिशन को कामयाब करना है। ओके सर, हम सब इस मिशन की कामयाबी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। सिंह, मुझे तुमसे और तुम्हारी टीम से यही उम्मीद थी। हमारे समाज में कानून का अपना एक स्थान है और एक सिस्टम है जो हमारे समाज को कंट्रोल करता है। आज तक जुर्म का कोई ऐसा परिंदा पैदा नहीं हुआ जो हमारे देश के कानून के शिकंजे से बच सके।
मंत्री जी आ गए। आइए साहब, आइए मंत्री जी। जय माता जी। आइए बैठिए। आइए मंत्री जी। जय माता दी। बैठिए मंत्री जी। ओ राजे, धंधा पानी कैसा चल रहा? माँ काली की कृपा है और आपका आशीर्वाद है मंत्री जी। लेकिन हमारा आशीर्वाद तब तक ही रहेगा जब तक मिठाई की माया हम तक पहुँचती रहेगी। अरे मंत्री जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे व मेरे भाइयों ने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है क्या? शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए अम्बा तुम और तुम्हारे भाई पुलिस आज तक बचे हुए हो। दीदी यही मुझे। जी 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 जी, मुझे माफ कर दो जी जी। जी जी, ये वही कुत्ता है जिसने पुलिस को टिप देकर हमारा माल पकड़वा दिया था। पुलिस ने तो इसका इनाम इसको दे दिया, अपना भी फर्ज बनता है, कुछ इनाम अपनी तरफ से भी दे दो इसको। शक्ति, ले जाए इसे। जी 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 जी, मुझे माफ कर दो जी 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 जी, आइंदा ऐसी गलती। चल ये क्या हुआ? आजाद कर दिया जिंदगी से। मुझे भी चलना चाहिए। ठीक है साहब। जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि नशा आता कहां से? कौन है वो दरिंदे जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं? क्या आपका और हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि इन दरिंदों को बेनकाब कर दें जो नशे के रूप में मौत बेच रहे हैं? लाओ सब माल दे यार। हट, पहले के पैसे लाया। ले यार। 100 रुपए से क्या होगा? 100 रुपए बोलना। हाँ तो ले लो। रुक जा। माल तो असली है ना? वो साहब नकली माल नहीं देता है। सब नकली माल दे दिया तूने, ये पैसे दे। इसे लेगा सारे मेरे? अबे नकली माल तो दिया, इसे लेगा तू? अरे तू क्या कर लेगा? हट। पैसे दे, पैसे दे मेरे। कर क्या लेगा? मेरे पैसे दे। कर क्या लेगा? तू मेरे पैसे दे। अबे जा, मैं मार डालूंगा तेरे। अबे जा, तू मेरे पैसे दे। तू मेरे पैसे दे दे।
दुख चैन ये एक पल में छीन लेता है। इंसान का सुख चैन ये एक पल में छीन लेता है खुशियां और बस इंसान को हम ये देता है। फसाद का ये भी खुद बोता है, बेवसीला चारी पे ये खुश होता है। ये बिकवा देगा, ये बिकवा देगा हर सामा तेरे मकान का। नशा है हत्यारा दिल और ईमान का, नशा है हत्यारा हर एक अरमान का। तो इससे दूर रहने की युक्ति तुम कर लो, जीवन को अपने नशा मुक्त कर लो। नशा है हत्यारा हर एक अरमान। ए रुक, कहाँ जा रहा है? मैं शक्ति भाई से मिलने जा रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? चिराग। मैं मालूम करके आता हूँ, यहीं रुक। जाओ। कौन है भाई? अंदर कैसे चला आया? अरे जीजी, कस्टमर अपने कॉलेज का। जा शक्ति, दे दे माल इसको। ठीक है जी। चल चिराग। चल शक्ति, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तूने हमारे इन्फार्मर को मारकर अच्छा नहीं किया काली। ओ साहब, लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी की बात मत कर काली, जितना जल्दी हो सके अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ओ साहब, ये गिदड़ धमकियां किसी और को देना, मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया है। माइंड योर लैंग्वेज, हम औरतों के मुंह नहीं लगते। जो होगा देखा जाएगा। दिखाऊंगा अम्बा, तुझे भी और तेरे इन भाइयों को भी। जी जी, अब तू बोल क्या करना उस पुलिस वाले का। फिकर मत कर छोटे, अम्बा के होते हुए उसके भाइयों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चल बैठ गाड़ी में। जी मुझे बचा लो जी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। फिकर मत कर छोटे, हिंदुस्तान के किसी जेल में वो सलाखे नहीं बने जाम्बा के भाई को कैद कर सके। तू घबरा मत छोटे, तेरा गेटअप पहले से एकदम चेंज कर दिया गया है। अब तुझे सीआईडी वाले तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकता है। अजय, छोटे को थोड़े दिन अंडरग्राउंड कर दे, नहीं तो सीआईडी वाले कुत्ते की तरह सूंघते हुए इसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, चल शक्ति। भाई माल देखो, एक नंबर लाया हूँ। चेक के देखो कैसा है। माल अच्छा है। हाँ हेलो, क्या पुलिस की रेड? भागो।
शूट हिम। मेरे भाई, अब हम बुरी तरह से घिर चुके हैं, अब अपना बचना नामुमकिन है। हिम्मत मत हारो भैया, जो होगा देखा जाएगा। कानून से बचकर बहुत भाग लिया शक्ति। आज तक तू जुर्म के ट्रैक पर बहुत भागा काली, लेकिन ये ट्रैक तेरे जुर्म का ट्रैक नहीं, ये मौत का ट्रैक है, मौत का। ये गेम इज ओवर। होने भी नहीं दूंगी, मार दूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे भाइयों को मार दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी।
मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, नहीं छोड़ूंगी, मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, नहीं मार सकता मेरे भाइयों को, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता मेरे भाइयों को, कोई नहीं मार सकता मेरे भाइयों को। वो समझ जाएगा इसको, बच जाएगा, वरना मरते मरते भी वो पछताएगा। अलख जगाना नशा मिटाना है, अलख जगाना है नशा मिटाना है, चल छोड़ दे रे रास्ता है ये शमशान का, शमशान का। यही अंत होना था, हाँ यही अंत होना था। एक अंबा के पागल हो जाने से, काली शक्ति या अजय के मर जाने से इस समस्या का हल नहीं होगा। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई दरिंदे हैं जो इस नशे की गंदगी को फैला रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट होकर कभी ना रुकने वाली एक ऐसी अलग जगाना होगी और इस नशे के जहर को मिटाना होगा।